हेलो स्टूडेंट, अभी एनडीए के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना, ध्यान रखना। कौन सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फॉर्मूला ये होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल वन अपॉन एफ। वन यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस, एफ होता है फोकल लेंथ। ध्यान रखना इसकी तरफ, एफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक चीज याद रखना यहाँ पे, एक चीज याद रखना कि अगर मेरे पास अगर कॉनकेव मिरर होगा, अब मेरे पास कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होता है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा, यानी पोल्स पी से ए का डिस्टेंस जो होगा, उसको बोलेंगे यू। यू इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो हमेशा याद रखना, साइन कन्वेंशन को लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे तो साइन कन्वेंशन निगेटिव होगा, राइट जाएंगे तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में यू निगेटिव होगा। हाँ, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए, उसका इमेज बन रहा है पॉइंट बी बी की तरफ, तो पॉइंट बी का डिस्टेंस जो है पी से वी हो जाएगा, माइनस वी, यानी उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ जो है वो पोल से मेजर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एफ, वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो याद रखना कि कॉनकेव मिरर में अगर हम लोग यहाँ पे अगर सही से मैं बनाऊंगा इस फिगर को, तो ध्यान से सुनना कि कॉनकेव मिरर जो होता है ना, उसमें जो फोकल लेंथ होता है पोल से मेजर करते हैं हम लोग फोकल लेंथ। और उसमें अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है पॉइंट ए पर, यहाँ पे इसको बोलूँगा मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे कहीं तो उसका समझ लो इमेज बन रहा है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो ये होगा उसका इमेज, इमेज जो होगा। ठीक है, तो देखो जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आ जाता है माइनस यू, पोल से इमेज का डिस्टेंस आ जाता है माइनस वी, और पोल से फोकल लेंथ आ जाता है माइनस एफ। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा सभी माइनस होंगे। तो कॉनकेव जो मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होगा उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव, और फोकल लेंथ निगेटिव। और कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है ना, वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स से मिरर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये याद रखना, इसको भूलना मत। चलो, नाउ वी विल गो फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो है ना, वो फोकल लेंथ राइट में आ जाता है और इमेज भी राइट में आ जाता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो इमेज डिस्टेंस वो पॉजिटिव आता है क्योंकि वो राइट में आता है, और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आता है क्योंकि वो राइट में होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट में रखते हैं ना कॉन्वेक्स के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है। करेक्ट, इसको तो ध्यान रखना, ये जो नोटेशन है वो ध्यान रखना। और कॉन्वेक्स से जो इमेज मिलती है वो कैसे मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी इसको ऐसे बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। और ये वाला फॉर्मूला कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। मिरर फॉर्मूला भी सेम होता है दोनों भी मिरर के लिए, याद रखना इसकी तरफ, इसको भूलना मत। ठीक है, इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, और एक चीज लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में आपको याद रखना है। देखो, तो मैंने यहाँ पे समरी कर लिया कौन सा किसको होगा, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस वी बाई यू, या वन अपॉन यू यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल एफ। ये सभी फॉर्मूले मिरर के लिए एप्लीकेबल है, नॉट लेंस, मिरर। ठीक है, हाँ, अगर इमेज रियल होगी तो हाइट निगेटिव होता है। रियल इसका मतलब इन्वर्टेड, यानी हाइट जो होगा ना वो ऐसे उल्टा होगा ना, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस आएगा, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस आएगा। हाइट जो होता है वो उल्टा होता है, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस आएगा यहाँ पे। तो याद रखना इसकी तरफ, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस आएगा। और अगर इमेज वर्चुअल होगा तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगा। तो वो एग्जाम में बोलेगा आपको इमेज वर्चुअल है क्या रियल है।
ठीक है, अगर इमेज वर्चुअली इरेट होगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और इमेज अगर इन्वर्टेड रियल होगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और एम का वैल्यू अगर लेस देन वन आ गया तो वो इमेज डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड यानी रिड्यूस्ड साइज। और एम अगर ग्रेटर देन वन होगा तो इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। क्या होता है, मैग्नीफाइड। तो याद रखना, इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके okay. विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ऑफ फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, फोर टाइम्स यानी एम इज इक्वल टू फोर है, फोर टाइम्स यानी एम इज इक्वल टू क्या है पे, फोर है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, प्लेस इन 10 सेंटीमीटर ने यू दे दिया आपको, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। पोजिशन निकालना है तो ध्यान रखना कि वो डिस्टेंस बोलता है, पोजिशन का मतलब डिस्टेंस, इमेज का पोजिशन नहीं, इमेज डिस्टेंस निकालना है बस। और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना कि जो साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिसको निकालना है उसका साइन कन्वेंशन यूज मत करो, क्योंकि वो फॉर्मूले से ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो, अब यहाँ पे मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर में मैंने आपको बोला कि यू निगेटिव ले लो, तो ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला पार्ट सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बोल रहा है, फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बोल रहा है, तो फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज जो होता है ना, वो हम लोग यहाँ पे कुछ रियल इमेज मेंशन नहीं किया, तो इसको हम लोग वर्चुअल लेके चलेंगे, तो इसका मतलब एम का जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा। अब एम का भी वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है प्लस और माइनस, क्योंकि वो जब तक आपको रियल नहीं बोलेगा तब तक एम निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना इसकी तरफ। और जिसको निकालना है ना, तो उसको कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं डाला जाता, जिसको निकालना है वो कभी भी साइन कन्वेंशन उसको नहीं डाला जाता, क्योंकि वो फॉर्मूले से ऑटोमेटिक उसका साइन कन्वेंशन आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पे यू निगेटिव के लिए क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्केव के लिए तो मैंने यू निगेटिव बोला था ना, और रियल नहीं है इमेज, कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब एम का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इमेज डिस्टेंस आएगा 40 सेंटीमीटर, इसकी तरफ ध्यान रखना आप लोग। आगे वाला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्टिव प्लेस डिस्टेंस, यानी यू दे दिया 20 और कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, यू तो दोनों के लिए निगेटिव होता है, तो यहाँ पे यू निगेटिव आएगा -20। फोकल लेंथ दे दिया कॉन्वेक्स का, हाँ, अब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, ये ध्यान रखना इसकी तरफ, ठीक है। द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। देखो, जो दिया होता है उसको साइन कन्वेंशन लगा दो, जो निकालना है उसको साइन कन्वेंशन मत लगा दो, ध्यान रखना इसकी तरफ। तो वी वी आ गया 6.67, तो वी पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज राइट में बनेगी या लेफ्ट में बनेगी, तो इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी, मिरर के बिहाइंड वो क्या होती है, वर्चुअली होती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब एम निकल के आएगा 1/3, इमेज डिमिनिश्ड है लेकिन वर्चुअल है, इसकी तरफ ध्यान रखना, वर्चुअल और रियल। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, अब हाइट दे दिया, ध्यान रखना हाइट दे दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये निगेटिव होगा कॉन्केव के लिए। फोकल लेंथ दे दिया कॉन्केव का 15 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव होता है कॉन्केव का। फाइंड द पोजिशन हाइट ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज, बस पहले आप मिरर फॉर्मूला लगा दो, तो उसमें आपको दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 होगा कॉन्केव है, फोकल भी -10 होगा कॉन्केव है, तो इसका मतलब 1/f = 1/u + 1/v, वी निकालेंगे 30 सेंटीमीटर आएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालू लिख, हाँ, लेकिन उसका फॉर्मूला है h/h0, दूसरा है ना वो वाला, इसको इक्वल कर दो, -v/u = h/h0। तो यहाँ पे कुछ इमेज रियल वगैरह कुछ जिक्र नहीं किए, तो मैग्निफिकेशन को वैसे के वैसे रखेंगे। अब वी से तो पता लग रहा है ना, वी से तो पता लग रहा है कि आपका इमेज जो है वो वर्चुअल आ रहा है, ठीक है, राइट में आ रहा है, तो इसका मतलब HI = H0, तो यहाँ पे इक्वेट कर दो, HI का वैल्यू निकालना है आपको, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो H0 1 सेंटीमीटर दे दिया आपको, वी दे दिया 30,
यू, हाँ यू दे दिया आप -10, वो -10 जो दिया है उसको साइन करने से लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना उसकी तरफ, और ये आ जाएगा आंसर 3 सेंटीमीटर। तो इमेज का हाइट आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज यहाँ पे वर्चुअल है। ठीक है, अब लेके चलते आगे हम लोग क्वेश्चन को। हाउ फार अ लैम्प मस्ट अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर, इसका मतलब ये -3 मीटर हो जाएगा, कॉन्केव है, प्लेस्ड इन ऑर्डर टू इमेज ऑन द स्क्रीन 8 मीटर फ्रॉम द लेंथ। तो इमेज ऑन द स्क्रीन बोल रहा, तो ये इमेज डिस्टेंस दिया है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 8 होगा वो वी होगा, तो वी दिया आपको वो निगेटिव लेना पड़ेगा, और फोकल लेंथ तो कॉन्केव के लिए निगेटिव होता है, और कॉन्केव के लिए वी भी निगेटिव होता है। अब यू निकालना, उसको कोई साइन कन्वेंशन मत डालो, वो फॉर्मूले से उसको निकाल दो, फॉर्मूले से उसका आंसर आता है -24/5 आता है, इतने डिस्टेंस पर आपको लैम्प को रखना पड़ेगा। हाँ तो याद रखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो डाटा गिवन गिवन है उसको ही साइन कन्वेंशन लगा दो, जो डाटा को गिवन नहीं है उसको साइन कन्वेंशन मत लगा दो, समझ रही बात। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो होमवर्क के लिए, दिस दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, और सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर क्लियर कर दी है, ध्यान से सुनो इसको।